नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, औरंगाबाद में पिछले दिनों हुई नांदेड़ मंडल के सांसदों की मीटिंग काफ़ी हंगामा खेज रही, जिसमें कि विभिन्न उपस्थित सांसदों के द्वारा जोर शोर से अपने क्षेत्र के बारे में डिमांड्स की गई। साथ ही दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र के साथ किए जा रहे भेदभाव का विशेष तौर पर जिक्र किया गया। हमने पूर्व में औरंगाबाद सांसद के द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों के संबंध में आपको जानकारी दी थी। आज हम राज्यसभा सांसद डॉक्टर श्रीमती फौजिया खान जी के द्वारा प्रस्तुत की गई डिमांड के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने नई ट्रेनों की जो मांग की है वह मराठवाड़ा क्षेत्र का देश के अन्य हिस्सों के साथ में संपर्क हो जाए, इसके लिए की गई है। नागपुर से औरंगाबाद वाया अकोला वाशिम हिंगोली पूर्णा परभनी इंटरसिटी की मांग की गई है। अमरावती से मुंबई वाया अकोला पूर्णा मनमाड़ डेली औरंगाबाद से मुंबई तेजस एक्सप्रेस की मांग की गई है, जो कि यात्री जो टूरिस्ट आते हैं औरंगाबाद उनके हिसाब से हो। शेगांव से पंडरपुर वाया अकोला पूर्णा परभणी बार्शी, औरंगाबाद से नागपुर वाया परभणी पूर्णा अकोला प्रतिदिन गाड़ी, नांदेड़ से कोल्हापुर एक्सप्रेस वाया परभणी लातूर कुर्दवाड़ी, पूर्णा से अजमेर, पूर्णा से अहमदाबाद और पूर्णा से कन्याकुमारी, पूर्णा से कोलकाता के लिए ट्रेनों की डिमांड की गई है, तथा जो बंद हो चुकी हैं ट्रेनें फिलहाल में चालू नहीं हो पाई हैं उनकी भी मांग इसमें की गई है, जिसमें कि क्षेत्र की अमरावती पुणे तथा अजनी लोकमान्य तिलक ट्रेन शामिल है। वहीं ट्रेनों के विस्तार के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि जालना से दादर के बीच चलती है, इसको हिंगोली तक बढ़ाने, निजामाबाद तिरुपति रायलसीमा एक्सप्रेस को पूर्णा तक बढ़ाने की मांग की गई है, पूर्णा पटना एक्सप्रेस को वास्को डिगामा या मडगांव तक बढ़ाने की मांग, परभणी लातूर मिराज के रास्ते नांदेड़ तंदूर एक्सप्रेस को परभणी तक बढ़ाने की मांग की गई है, तथा ट्रेनों की आवृत्ति में वृद्धि की भी मांग इनके पत्र में की गई है। नांदेड़ औरंगाबाद एक्सप्रेस को प्रतिदिन किया जाए, नांदेड़ पुणे एक्सप्रेस को प्रतिदिन तथा नागपुर कोल्हापुर ट्रेन को प्रतिदिन की मांग की गई है। ट्रैक को दोहरीकृत जल्द से जल्द किए जाने की आवश्यकता उन्होंने अपने पत्र में जताई है। पूर्णा अकोला सेक्शन परभणी परली बिदर रूट और मनमाड़ मुतखेड़ सेक्शन का नाम इसमें शामिल है। और विद्युतीकरण के लिए जिन रेल लाइनों के कार्य में तेजी की बात इन्होंने कही है वे हैं पूर्णा से अकोला जंक्शन परभणी परली बिदर रूट और मनमाड़ मुतखेड़ रूट की इन्होंने विद्युतीकरण की मांग की है। नई लाइनें बनाने हेतु सर्वे अथवा सेंक्शन करने की मांग इनके द्वारा की गई है, जिसमें कि औरंगाबाद अहमदनगर पुणे रेलवे लाइन, औरंगाबाद कन्नड़ चालीसगांव रेल लाइन, रोतेगांव कोपरगांव जालना चिखली खामगांव नई लाइन, न्यू परली बीड अहमदनगर नई लाइन, बिदर देगलूर नांदेड़ नई लाइन, लातूर रोड अहमदपुर लोहा नांदेड़ नई लाइन, अकोट खंडवा रेलवे लाइन के कार्य की धीमी गति को लेकर चिंता जाहिर की, इसे जल्द से जल्द अवरोध हटाकर पूरा किया जाए, नारखेड़ बड़नेरा वाशिम नई लाइन को स्वीकृत करके निर्माण किया जाए, पनगांव से लातूर नई लाइन का निर्माण किया जाए, पूर्णा में इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन को रिपेयर करने संबंधित संस्थान खोले जाने की मांग की है, क्योंकि यहाँ पर जगह पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। जो भी मराठवाड़ा से ट्रेनें चलती है उन्हें एलएचबी कोचेस से चलाने की भी मांग इस पत्र में शामिल है, तथा नांदेड़ डिवीजन की ट्रेनें काफ़ी धीमी गति में चलती हैं, उनका टाइम टेबल सेट किया जाने की आवश्यकता जताई है। साथ ही स्पेशल ट्रेनों की जगह पर परमानेंट ट्रेनें जल्द से जल्द चलाई जाएं, जिससे दैनिक यात्रियों को कम किराए में यात्रा करने की सहूलियत प्राप्त होगी। नांदेड़ डिवीजन के सभी रेलवे स्टेशनों पर कोच नंबर डिस्प्ले सिस्टम स्थापित किए जाएं। औरंगाबाद और लातूर में पिट लाइन की आवश्यकता है। एक आदर्श रेलवे स्टेशन के तौर पर परभणी रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। परभणी और पूर्णा में बाईपास चोर्ड लाइन बनाए जाने की आवश्यकता बताई है। कुल मिलाकर काफ़ी लंबी सूची राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया मैडम के द्वारा दी गई है, इसमें से काफ़ी अच्छी मांगें पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र के हिसाब से की गई हैं।
क्योंकि वैसे ही मराठवाड़ा क्षेत्र में रेलवे के नाम पर काफ़ी भेदभाव होता आ रहा है, यह हम सभी जानते हैं। यदि रेलवे इन सब मांगों को स्वीकार करता है तो इससे पूरे क्षेत्र को काफ़ी फ़ायदा होगा। आप सभी का धन्यवाद।